बुरहानपुर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी में कई गुट अब सामने निकल कर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का गुट 4,000 करोड़ के विकास की बात करते हुए टिकट की दावेदारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन सिंह चौहान का गुट भी टिकट की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, अर्चना चिटनिस के गुट से अलग हुए मनोज तारवाला भी टिकट की दौड़ में अव्वल है। अगर बात करें 2018 के चुनाव की, तो अर्चना चिटनिस ने एक निर्दलीय विधायक से उन्होंने शिकस्त खाई है। तब वो मंत्री के पद पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और अब वे एक बार फिर से टिकट की मांग कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा भी अब कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नेताओं के अनुसार बुरहानपुर विधानसभा में 20 वर्षों से 5,000 करोड़ का विकास हुआ है, लेकिन MKN न्यूज़ की टीम हकीकत जानने पहुंची तो विकास कार्यों की पोल खुल गई। कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्या है, ये अमरावती रोड है। हाँ, ये जो सड़क मार्ग है, ये इच्छापुर से लेकर आसिर और इंदौर हाईवे है और इस हाईवे पे बहुत अत्यधिक गड्ढे हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़क पे अभी जो ट्रक आना जाना कर रहे हैं उनको भी कितनी परेशानी हो रही है, गाड़ियों को परेशानी हो रही है और यहाँ पे जमाव भी हो गया पानी का, गड्ढों के कारण दिक्कत हो रही है। मैंने बहुत बार कर सकते हैं भैया, तुम ही देखो 4-5 साल में खड्डे सही हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे? बस खड्डे भरवा दो सर। अच्छा, और कुछ नहीं कहना चाहते, बस खड्डे भरवा दो।